सभी को आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत फोटो दिखाए गए हैं इस ग्रह में, भगवान के भी तस्वीर दिखाए गए हैं। मैं बिना तस्वीर दिखाए एक ऐसा तस्वीर दिखाऊंगा जो तस्वीर आप सबके मन में बसता है। कल्प का अंत होता है, एक कल्प के अंत के हो पश्चात भगवान विष्णु, भगवान नारायण क्षीर सागर में सर्प के ऊपर विराजमान होते हैं, शेषनाग के ऊपर विराजमान होते हैं। पद पे उनकी लक्ष्मी होती है, आंख अधमूंदी सी होती है, नारायण का एक हाथ जो होता है उनके शीश पर होता है, एक हाथ नीचे होता है। नारायण इज कॉन्टेम्पलेटिंग भावी कल्प कैसा होगा उसके विषय में नारायण चिंता करते हैं। इनोवेटिव आइडियाज कैसा होगा, किस प्रकार से भावी कल्प का निर्माण होगा उसकी चिंता करते हैं। जैसे ही कॉन्सेप्चुअलाइजेस हाउ द भावी कल्प वुड बी फ्रॉम हिज नाम ही पद्म, जिस पद्म के विषय में भी यहां बताया गया, उस पद्म पर बैठ करके भावी कल्प के जिनके पास स्किल होता है वो ब्रह्मा उपजते। द ब्रह्मा इज स्किल्ड टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट ब्रह्मांड, नेक्स्ट यूनिवर्स। एंड यू नो हु प्रोवाइड्स द रिसोर्स, जब उनके पास इनोवेशन होता है तो वो महालक्ष्मी की तरफ देख के बोलते हैं, महालक्ष्मी मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, आप मुझे ग्रांट कर दीजिए, आपके ग्रांट से ये ब्रह्मांड बनेगा। देयर इज नो जेंडर इन वैकुंठ, वैकुंठ में कोई नर नहीं, कोई नारायण नहीं, वही नारायण नारायणी है, वही शिव शिवी है, वही पार्वती है, वही शिव है। इसलिए ये धारणा गलत है कि नारी नर के पैरों के पास बैठी है। तात्पर्य है कि जहां आइडिया है, जहां इनोवेशन है, जहां विद्या है, जहां शिक्षा है, रिसोर्स के पास कोई अन्य उपाय नहीं है, रिसोर्स की अपनी बाहें अपने आप ही खुल जाती है। मां लक्ष्मी तथास्तु कहिते।